Hi guys, my name is Nikhil and I am a student of IIHM from 2014 to 2017 batch. तो एक छोटी स्टोरी मैं बताना चाहूँगा कि हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में आने से पहले लोगों को लगता है कि ये तो सिर्फ खाना बना सकता है या जो भी ऐसा कुछ, बट ऐसा रियलिटी में नहीं है। हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री बहुत टफ है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आपको टेस्ट करती रहेगी। तो डिसिप्लिन, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको हमेशा फॉलो रखना है। जैसे कि मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, जब भी होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया था तभी मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि क्या होगा मेरे साथ, मुझे कुछ पता नहीं था। बट यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि इसमें इतने भी सब्जेक्ट होते हैं, ये सब भी प्रोसेस होता है, क्या नहीं होता है, क्या करना चाहिए, कितना डिसिप्लिन रहना चाहिए, कितना आपको वेल ग्रूम्ड रहना चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है लाइफ में, जो आपको लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होते हैं, वो ये सेक्टर आपको सिखाता है। बी एस सी ग्रेजुएट एंड आई हैव परस्यूड माई डिग्री एंड आई कम्प्लीटेड माई डिग्री इन 2017 एंड आफ्टर दैट आई हैव जॉइंड मुंबई एयरपोर्ट लाउंज सर्विसेज एज एन अटैचे इन FNB सर्विस। उसके बाद मैंने वहाँ पे 3 साल काम किया। 3 साल काम करने के बाद मेरा प्रमोशन भी हो गया वहाँ पे और मैं लकीली मैं एक क्रूज़ के लिए भी सिलेक्ट हो गया एंड होपफुली इस साल या आने वाले नेक्स्ट ईयर में मैं होपफुली मेरा वीज़ा भी आ जाएगा और मेरा ज्वाइनिंग डेट भी आ जाएगा। उसके अलावा मैंने इस पैंडमिक में खुद का एक कैफ़े ओपन किया है जिसका नाम है कैफ़े हाई ऑन कैफीन, जो वैसे वेस्ट में ही है। मुझे मेरे स्टडीज़ ने सिखाया है कि मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, तो मैं खुद का भी कुछ कर सकता हूँ, ये मुझे कॉन्फिडेंस दिया है। तो मैं IIHM का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया।